नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का लाइव प्रोफेशन का एपिसोड में बेहद स्वागत है। मैं हूं अंकित दृष्टो। और दोस्तों, किसी भी रिश्ते में आप क्या चीज सबसे ज्यादा देखते हैं, आपके दिमाग में कौन सी वो बात रहती है जो सेंटर में आती है, व्हाट इज योर सेक्सुअल पर्सनैलिटी। दोस्तों, आप रिश्ते निभाने में कौन सी वो बात है, उसी के आधार पर आगे मूव ऑन करते हैं, खासकर स्पाउस रिलेटेड, हस्बैंड या वाइफ का जो रिश्ता होता है। दोस्तों, हम सेक्सुअल पर्सनैलिटीज के बारे में बात करेंगे, 7 टाइप की, 7 प्रकार की वो सेक्सुअल एबिलिटी, जैसे कि आप किसी व्यक्ति की बाहरी खूबसूरती देखते हैं या आंतरिक खूबसूरती देखते हैं या बुद्धिमता देखते हैं या विवेक देखते हैं या धार्मिक रिचुअल्स देखते हैं, वो क्या कैसा करता है जो आपको ज़्यादा पसंद आता है, सेक्सुअली अट्रैक्ट करता है, ऐसे कौन सी वो 7 एबिलिटी है। हम सभी चलने वाले हैं व्हाइट बोर्ड पे, वहाँ एक एक एबिलिटी को देखने वाले हैं, आप में कौन सी एबिलिटी है आप भी अपना हैंड देख के जान सकते हैं। और अगर आप इस वीडियो पर, इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन क्लिक कर लीजिए, क्योंकि हम इसी तरह से नॉलेज रिलेटेड वीडियो लाते रहते हैं। चलिए चलते हैं सब लोग व्हाइट बोर्ड पे। तो दोस्तों, फाइनली आ चुके हैं व्हाइट बोर्ड पे, व्हाट इज योर सेक्सुअल पर्सनैलिटी। किसी व्यक्ति विशेष के अंदर आपको कौन सी बात सबसे ज्यादा लुभाती है, सबसे ज्यादा आकर्षित करती है, वह आकर्षण का केंद्र क्या है, हाँ तथा हॉरोस्कोप से हम जानने वाले। मैं 7 प्रकार के गुण की बात करूंगा जो आपको सबसे ज्यादा आकर्षित करती है, सबसे ज्यादा सेक्चुअली अट्रैक्ट करती है, वह कौन सी पर्सनैलिटी है, वह कौन सी एबिलिटी है। सबसे पहले अगर हम हॉरोस्कोप की बात करें, कुछ ऐसे सर्टन योग हैं। अगर हम 7th हाउस की बात करें, यह आपके हस्बैंड या वाइफ या स्पाउस का घर होता है, और कितनी भी ऑडियंस होती है जिसके सामने आप रहते हैं, मतलब ये आप ये हैं, आप लग्न यहाँ पे कोई भी नंबर लिखा हो सकता है, और 7th हाउस आपके सिवा अन्यत्र जो भी व्यक्ति है वो 7th हाउस है, मतलब जनता का घर होता है। तो आपको यहाँ पे देखना है यहाँ पे किस तरह का एलिमेंट है, वहाँ पे राशि कौन सी है, वाटर एलिमेंट है मतलब जल तत्व है आप, या अग्नि तत्व है, फायर एलिमेंट है, या आपका आपका अर्थ एलिमेंट है, और नेक्स्ट चीज है आपका एयर एलिमेंट है। इन चारों में से आपका यहाँ पे किस तरह का एलिमेंट आता है, तो वो व्यक्ति विशेष आपको ज्यादा आकर्षित करेगा, आपको ये देखना है। और यहाँ पे कौन सा ग्रह बैठा है, यहाँ का स्वामी कौन है, यहाँ पे कौन से ग्रह दृष्टि डाल रहे हैं, तो व्यक्ति को आकर्षित करता हो। इससे भी ज्यादा दोस्तों जरूरी है आपका विवाह से सुख, विवाह से सुख हमेशा किसी भी हाउस का सुख आगे वाले घर से देखा जाता है, मतलब आपका अगर भाग्य का सुख देखना हो तो 10th भाव से देखिए, आपका कर्म का सुख देखना है तो 11th भाव से देखिए, इसीलिए लाभ का होता है। कर्म आपने जो किया, कर्म का लाभ आपको 11th हाउस से मिला, आप ये हैं, आपको जो लाभ मिलता है आपके धन भाव से, आपके कुटुंब से मिलता है, आपकी बुद्धि का जो लाभ है वो यहाँ से मिलेगा, तो उसके आगे का भाव पे जाते हैं, इसलिए विवाह के घर के आगे यहाँ था 8th हाउस, यहाँ सेक्चुअल एबिलिटीज को दिखाता है। साथ ही आपको 12th हाउस सैया सुख को दिखाता है, ब्लड प्रेजेस को दिखाता है, वो आपको अट्रैक्ट करता है हमेशा। दोस्तों चलिए देखते हैं हैंड में वो कौन से योग होते हैं। दोस्तों आपके में देखना है कि आपके में सबसे ज्यादा वेल डेवलप माउंट क्या है, मैं एक एक करके सभी क्वालिटीज के बारे में डिस्कस करता हूं इन सातों के साथों। सबसे पहले सूर्य से शुरू करते हैं, अगर आपका सूर्य पर्वत वेल डेवलप है, यहाँ पे किसी प्रकार अच्छे शुभ संकेत मिलते हैं, और सूर्य उंगली पे अगर आपको सीधी वर्टिकल लाइनें ज्यादा मिलती हैं, दैट मीन्स कि आप सूर्य प्रधान व्यक्ति हैं। उस केसेस में आपको कोई भी व्यक्ति जो गॉर्जियस होगा, जो फैशन इंडस्ट्री में आगे होगा, या फैशन के तौर पे व्यक्ति ज्यादा अट्रैक्टिव लगता होगा बाहरी सुंदरता के तौर पे, तो उसको आप बहुत आसानी से पसंद कर लेंगे और आप उसकी तरफ बहुत ज्यादा आकर्षित होंगे। अगर हम चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा में खासियत होती है इमोशनली अटैच होने की। जो भी व्यक्ति भावुक होगा, जो भी आपकी संवेदनशीलता को समझेगा, आपकी भावनाओं को वैल्यू करेगा, उसके प्रति आप सहज ही आकर्षित हो जाएंगे। तो आप में अगर ये चंद्र पर्वत वेल डेवलप है और डोमिनेटिंग है आपके हाथ में, मतलब बड़ा एरिया कवर करता है, यहाँ पे अच्छे साइन है, शुभ संकेत है, तो कहीं ना कहीं ऐसे व्यक्ति की तरफ आप आकर्षित हो जाएंगे। अगर हम बात करें मंगल की, दोस्तों मंगल पूर्ण रूप से फिजिकल अपीयरेंस पे देता है, जो पूरी तरह से बॉडी के शेप एंड साइज, फिगर, इन सब चीजों को देखने वाला, इन सब चीजों के प्रति आकर्षित होने वाला ग्रह होता है। तो अगर आपका मंगल पर्वत डोमिनेटिंग है, उठा हुआ है और वेल डेवलप है, पिलपिला नहीं है, उठा हुआ पर्वत है, और यहाँ पे किसी तरह के बैड सिंबल्स नहीं है, दैट मीन्स कि आप ऐसे व्यक्ति की तरफ आकर्षित होंगे जो फिजिकली ज्यादा स्ट्रांग हो, फिजिकली ज्यादा अपेयरिंग हो, लोगों को अट्रैक्ट करता हो, इस तरह के व्यक्ति की तरफ आप आकर्षित होंगे। अगर हम दोस्तों बुध पर्वत की बात करें तो या कुछ मायनों में बहुत ही अलग एबिलिटी देती है, जैसे कि अगर आपके में बुध रेखा मौजूद है तो वैसे भी आप थोड़ी से इंटेलेक्चुअल चीज़ों की तरफ, या जो भी आईक्यू लेवल जिनका ज़्यादा होता है, जो पढ़ने लिखने में बहुत तेज होते हैं, या जो कैलकुलेटिव होते हैं, जो लॉजिकल होते हैं, जो एक बात से 10 बातें निकाल लेते हैं, वैसे तरफ अगर आपका ये बुध पर्वत स्ट्रांग है, डोमिनेटिंग है, हाथ में उठा हुआ है, और बाकी ग्रहों की अपेक्षा आपको बुध पर्वत अलग से दिखाई देता है,
तो आप देखिएगा कि आप ऐसे व्यक्ति की तरफ सहज ही आकर्षित हो जाएंगे, अगर जिसका बुध स्ट्रांग होगा, जिसमें ये लॉजिकल स्किल्स होंगी। अगर हम बात करें गुरु पर्वत की, या दोस्तों वुमेन्स की कुंडली में बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह पति भाव का स्वामी होता है। वैसे भी अगर ये स्ट्रांग हो तो व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति जो खासकर इंटेलेक्चुअल आइडियाज जो बताते हैं, जो हायर टीचर्स होते हैं, जो फिलोसफिकल बातें करते हैं, जो इंटेलेक्चुअल बातें करते हैं, जैसे किसी फील्ड में जो टीचर्स वगैरह होते हैं या टॉप लीडर होते हैं, उनकी तरफ ऐसे लोग बहुत आसानी से आकर्षित होते हैं। जो भव्य पर्सनैलिटी होते हैं, जो गुरु का मतलब होता है विस्तार, तो जो भी चीज विस्तार कर रही हो, आपकी पर्सनैलिटी को उठा रही हो, आपको हमेशा सपोर्टिव रोल में आपको आगे बढ़ा रही हो, तो ऐसे व्यक्ति की तरफ आप आकर्षित होंगे। अगर हम बात करें शुक्र पर्वत दोस्तों, यहाँ दो तरीके के, यहाँ फिजिकल एबिलिटी खासकर ब्यूटी से इसका लेना देना होता है, और जो भी व्यक्ति ब्यूटी मतलब उनका मेकअप और इन सब चीज़ों की तरफ ज़्यादा आकर्षित होगा, और साथ ही इमोशनली बहुत व्यक्ति से अटैच होगा, ऐसे व्यक्ति की तरफ आप आकर्षित हो जाएंगे। बात करें हम अगर शनि की, तो शनि व्यक्ति वाले, शनि प्रधान जो व्यक्ति होते हैं, अगर शनि उठा हुआ है, अच्छे शुभ संकेत यहाँ पे आपको मिलते हैं, वर्टिकल लाइनें मिलती हैं, अगर आपके यहाँ पे सीधी सीधी वर्टिकल लाइनें मिलती हैं, तो कहीं ना कहीं आप उस व्यक्ति की तरफ आकर्षित होंगे जो डीप स्टडी करता होगा, जो आपकी बातों को गहराई से समझता होगा, जो अगर रिलेशनशिप में आए तो गहरी गहरी रोमांटिक बातें करेगा, मतलब बहुत ही स्पिरिचुअल लेवल की हो गई। इस तरह की जो बातें हैं वो अक्सर शनि करते हैं, जो गहराई में चीजों को जाके समझते हैं, इसकी तरफ आप व्यक्ति की तरफ आकर्षित बहुत ही सरल रूप से, सहज रूप से हो जाएंगे। दोस्तों ये हमने जाना कौन सी वो 7 क्वालिटीज हैं जो आप में सबसे ज्यादा, आप डिसाइड करिए आप में कौन है। अगर आप में पर्टिकुलरली अगर यहाँ पे कोई ग्रह बैठा हो तो आप कमेंट सेक्शन में रिप्लाई कर सकते हैं, मैं सभी का आंसर दूंगा। दोस्तों उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगा, पसंद आए तो अपने दोस्तों साथियों तक भी शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। आगे मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार दोस्तों।